क्रिसमस के मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि एक तो वीकेंड और साथ में क्रिसमस की छुट्टियां। इसके चलते बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। शिमला और मनाली के अलावा कसौली, चायल, धर्मशाला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी सैलानियों की आमद में भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि शहर के 90% से ज्यादा होटल बुक हो चुके हैं। क्रिसमस से पहले शुरू हुआ सैलानियों के हिमाचल पहुंचने का सिलसिला न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहने की उम्मीद है। वहीं शहर में जाम की समस्या भी देखने को मिल रही है। इस बीच जिला प्रशासन ने भी पर्यटक और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कमर कस रखी है। क्रिसमस के लिए पर्यटन विकास निगम और निजी होटलों में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, तो वहीं शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान विंटर कार्निवल के लिए शुक्रवार शाम को ही रंग बिरंगी रोशनियों से सज गया था। सैलानियों ने रिज पर घूमने का जमकर लुत्फ उठाया, तो वहीं मनाली में भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी है। फेडरेशन ऑफ ऑल हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि क्रिसमस से पहले भारी संख्या में सैलानियों के हिमाचल आने का क्रम शुरू हो गया है। मानसून में आपदा के बाद पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं और नए साल से जश्न तक हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहेंगे।